जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ था कि अनटचेबल्स एससी शेड्यूल कास्ट ने कांग्रेस का पुतला जलाया था, क्या कारण थे इस चीज के लिए। इस चीज को जानने के लिए हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स को खोल लिया है और हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर वन स्ट्रेंज इवेंट के अंदर। ये चैप्टर नंबर वन स्ट्रेंज इवेंट खोल लिया है, अब उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में चलते हैं जहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है बाबा साहब के द्वारा। तो आ गए हैं फ्रेंड्स हम उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर जहां पर बाबा साहब लिखते हैं कि अनटचेबल्स ने ऑर्गेनाइज किया एक डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द कांग्रेस और उसकी एफिजी, उसका पुतला जलाया। अब एससी शेड्यूल कास्ट अनटचेबल्स, जो कि ऐसे समझा जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक है फलाना ढिमका, वो कांग्रेस का पुतला क्यों जला रहे हैं, इस चीज को हम समझते हैं। इसके लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर एओ ह्यूम द्वारा, और जब इसकी जो फाउंडिंग फादर्स थे उनका मानना था कि हमारे देश को आजादी दिलाना भी जरूरी है, साथ ही साथ हमारे देश के जो सामाजिक कुरीतियां है, स्पेशली जैसे जाति प्रथा है, उसको खत्म करना भी जरूरी है। इसलिए 1885 से लेकर 1895 तक जितनी भी कांग्रेस के एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे उसके अंदर पॉलिटिकल विंग और सोशल विंग दोनों हुआ करते थे। पॉलिटिकल विंग को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बोला करते थे, और जो सोशल विंग थी उसको सोशल कॉन्फ्रेंस बोला करते थे, और उनका प्रोग्राम एक ही पंडाल के अंदर हुआ करता था। तो 10 साल तक 1885 से लेकर 1895 तक ऐसा चला 1895 तक, लेकिन बाद में ये हुआ कि जो पॉलिटिकल माइंडेड लोग थे कांग्रेस के अंदर उन्होंने कहा कि सोशल रिफॉर्म इतना जरूरी नहीं है और पॉलिटिकल पावर लेना जरूरी है। तो और उनकी अगुवाई कौन कर रहा था, उनकी अगुवाई कर रहा था पंडित बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस सोशल कॉन्फ्रेंस की पांडाल को ही जला दिया जिसमें ये सामाजिक एक्टिविटीज होती थी, उस पंडाल को जला दिया था। तो जब सोशल कॉन्फ्रेंस की पांडाल को जला दिया और जब अनटचेबल्स एससीज को ये बात पता लगी कि बाल गंगाधर तिलक ने जो सोशल कॉन्फ्रेंस का पांडाल है उसको जला दिया है और उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तब फिर क्योंकि अब तक कांग्रेस की पांडाल को पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी भी यूज करती थी और सोशल कॉन्फ्रेंस भी यूज करती थी, दोनों यूज करते थे सेम पंडाल को, लेकिन 1895 में से कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी अलग हो गई और सोशल कॉन्फ्रेंस अलग हो गई। और कारण क्या था, बाल गंगाधर तिलक, उसने कहा कि सोशल रिफॉर्म की इतनी कोई जरूरत नहीं है, पहले हमें अंग्रेजों से आजादी लेना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें इस सोशल कॉन्फ्रेंस के चक्कर में नहीं पड़ना और कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही डेवलप करना है और अंग्रेजों से मुक्ति पानी है और सोशल रिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, बाल गंगाधर तिलक का यह मानना था। इस कारण से उन्होंने 1895 से के अंदर हुई जो एनुअल कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस की उसमें सोशल कॉन्फ्रेंस के पंडाल को जला दिया था। अब जब अनटचेबल्स एससी को ये बात पता लगी कि भाई क्या बोलते सोशल कॉन्फ्रेंस की पंडाल को ही जला दिया गया है, तब फिर जो अनटचेबल्स है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द कांग्रेस, अगेंस्ट द कांग्रेस मींस अगेंस्ट द कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल विंग, और उसका पुतला जलाया। तो एक तरह से उस वक्त जो लीडर थे कांग्रेस पॉलिटिकल विंग के वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो कांग्रेस का पुतला जलाने का मतलब है कि एक तरह से बाल गंगाधर तिलक का पुतला जलाया था अनटचेबल्स ने एससीज ने। और उसके बाद में अगले आने वाले कम से कम 1895 से लेकर 1917 22 साल तक के लिए जो ये एंटीपैथी है अनटचेबल्स की अगेंस्ट कांग्रेस वो चलती रही। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनटचेबल्स ने कांग्रेस का पुतला क्यों जलाया था। वीडियो अच्छा लगा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।